फ्यूचर के लिए गाइडिंग स्किल्स होना जरूरी है, उसको मोटिवेटेड होना चाहिए, खुद भी लर्नर होना चाहिए और अच्छा डिलीवर करने वाला होना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण के बाद एजुकेशन ने एक बड़े कारोबार का रूप ले लिया है। सरकार के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर इस फील्ड में उतर चुके हैं या उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इन संस्थानों को चलाने के लिए पैसा और मैनेजमेंट के साथ साथ अच्छे शिक्षकों की भी जरूरत है। अगर बात नर्सरी टीचिंग की हो तो उसके लिए एनटीटी का प्रशिक्षण जरूरी है, जबकि प्राइमरी स्कूल के लिए एनपीटीटी और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड। कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत तो नहीं, लेकिन एमए और नेट या पीएचडी की जरूरत पड़ती है। आने वाले समय में टीचिंग फील्ड का फ्यूचर और होगा ब्राइट। खास तौर से नर्सरी और प्राइमरी लेवल पर टीचरों की जबरदस्त मांग बढ़ेगी, क्योंकि पास हो चुका है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून। और हाँ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए तैयारी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक नर्सरी लेवल पर हजारों ट्रेंड टीचर्स की बढ़ने वाली है डिमांड। टीचिंग में जूनियर लेवल पर एंट्री नर्सरी क्लास से होती है। नर्सरी क्लास में टीचर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। इन क्लासेस में पढ़ाने के लिए उम्मीदवार के पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का एक साल का सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी होता है। आप चाहें तो 2 साल का नर्सरी प्राइमरी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स देश के विभिन्न पॉलिटेक्निक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चलाए जाते हैं। इस कोर्स के बाद प्राइवेट व सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को पढ़ाने की नौकरी की जा सकती है। आप इन कोर्सेज की जानकारी हमारी वेबसाइट www.news24online.com से भी ले सकते हैं। टीचिंग में नर्सरी लेवल पर करियर बनाने के लिए आपको नर्सरी टीचिंग का कोर्स करना कंपलसरी है। इस कोर्स में आपको बच्चों को हैंडल करने के साथ ही उन्हें पढ़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट को चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में भी बताया जाता है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को पढ़ाया जाता है कि आपके सामने बैठा हुआ छोटा बच्चा, उसका माइंड कैसे काम कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, वो किस वक्त क्या सोच रहा है। टीचर ट्रेनिंग कोर्स के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदक का 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। स्टूडेंट इस बात पर भी गौर करें कि वे जहां से डिप्लोमा करें वो संस्थान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इस डिप्लोमा को करने के बाद किसी भी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के तौर पर आप नौकरी पा सकते हैं। स्कूल बहुत खुल रहे हैं, नर्सरी प्राइमरी स्कूल बहुत खुल रहे हैं, उतने टीचर्स नहीं है जैसे मैंने कहा, तो गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेती है एमसीडी स्कूल्स में, वो भी यहाँ के टीचर्स लेती है, प्लस प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत स्कोप है। सैलरी की बात करें तो फील्ड में सैलरी शुरुआती दौर में ही अच्छी मिल जाती है। आपको काम में केवल 6 से 8 घंटे गुजारने होते हैं। सरकारी स्तर पर सैलरी फिक्स होती है, जबकि प्राइवेट लेवल पर सैलरी आपके एक्सपीरियंस और स्कूल पर डिपेंड करती है। अगर विदेश में शिक्षक के तौर पर काम करने का अवसर मिल जाता है तो आमदनी लाखों में भी हो सकती है। अगर अच्छी ट्रेन टीचर है तो 10-12 हजार रूपये भी मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल फ्रेशर को नहीं देता है। 5-6 हजार रूपये से स्टार्ट होता है स्केल, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हमारी एकेडमी के जो 19,000-20,000 रूपये भी सैलरी दे रहे हैं। अगर जॉब प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो इस समय ये सेक्टर सबसे हॉट बना हुआ है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में योग्य टीचरों की हमेशा डिमांड बनी रहती है। विदेश में भी भारतीय टीचर डिमांड में है, यानी कि टीचिंग एज अ करियर है रॉकिंग। अगर आप टीचिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो news24online.com से पूरी जानकारी ले सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, News24।